तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ, इल्तिजा चाहो तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मैं सच बताऊं तो मैं कुछ और फैसला कर चुकी हूं। कैसा फैसला? मोइन क्या? मोइन मेरा बॉस, मोइन जानते हो ना तुम? जानता हूं तो मैंने मोइन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बोल रही मैं झूठ, यही सच। ये सच नहीं है मायरा, मैं जानता हूं ये सच नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल यही सच है रेहान, इसीलिए तो मैं इतने अरसे से तुम्हें इग्नोर कर रही थी, बहाने बना रही थी क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। बहाने तब बना रही थी या बना रही? देखो रेहान, प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है ना कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर लूं जो खुद मुख्तार हो, अपने फैसले खुद ले सकता हो। और क्या? और वो किसी के अंडर ना आता। तेरी यादों में खोया रहूं, सोचूं वो लम्हे प्यार के, बिता हूं मैं झूठ। क्यों बोला तुमने? आप कैसे कह सकते हैं कि यह झूठ था? बहन हूं तुम्हारी, तुम्हारे दिल का हाल मुझे नहीं मालूम होगा तो और किससे होगा? आप गलत हैं बाजी, एक एक लफ्ज जो मैंने रेहान से कहा वो सच था। और वैसे भी आप तो ऐसा समझती थी ना कि मैं रेहान की खातिर चाहती हूँ कि आप भाई जमाल से सुलह कर लें। आपका ये गुमान भी दूर हो जाएगा। से आती है एक सदा ये।
सोचो वो लम्हे प्यार के, फिरती रहूं मैं अब दर बदर, तन्हा हूं मैं बिन यार के, ढूंढती थक गई हूं, आके मुझे से लिपट जा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। क्या हुआ बाजी? यही तो पूछने आई हूँ कि क्या बात है। कोई बात नहीं बाजी, आप हाँ मुझे कुछ देख लिए, अकेला नहीं छोड़ सकती। छोड़ सकती हूँ, लेकिन कितनी देर? आखिर तुम्हें मुझे बताना होगा कि बात क्या है। कोई बात भी नहीं है, बस मेरा मूड ऑफ है। कोई बात तो है। जब आपको पता है कि कोई बात है तो आप क्यों मुझसे सवाल किए जा रही हैं? मायरा, जो भी बात है उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों रूठी हो तुम? मैं किसी से नहीं रूठी, मुझे बस अकेला छोड़ दें प्लीज, मेरा मूड ठीक नहीं। ठीक है, फिर मैं रेहान को मना कर देती हूँ कि वह यहाँ ना आया करे। वो आए या ना आए इससे मेरा क्या लेना देना? आपका देवर जो मर्जी करता फिरे। तो फिर मोइन को मना कर देती हूँ। आपको मुझे बताना चाहिए था बाजी। क्या? वही जो कल मोइन ने आपसे कहा था। आपको पता था ना? हाँ, उसने मुझे रोका था कि वो तुमसे खुद बात करेगा। आप मेरी बहन है या उसकी? तुम्हारी बहन हूं। तो फिर बाजी? तो फिर क्या? देखो मायरा, ये तुम्हारी जिंदगी है, जैसे चाहो जियो। मैं कभी तुम्हारे फैसलों में नहीं बोलूंगी। मैंने भी सारी जिंदगी सर झुका कर गुजार दी और इनाम क्या मिला तुम जानती हो। बाजी, अगर अगर हम वापस लाहौर चले जाएं तो? लाहौर किस लिए? क्या मतलब किस लिए बाजी? हमारे अम्मी अबू का घर है वहां पे, भाईजान अकेले तो नहीं रह सकते ना, क्यों कम से जमा के बैठे हुए हैं? ठीक है, हम लाहौर का इरादा कर लेंगे, फिर हो सकता है कि हालात बेहतर हो जाएं। कभी कभी कोई शहर भी तो रास नहीं आता इंसान को। हमारा मुकद्दर तो हमारे साथ जाएगा ना, तकदीर से कौन भाग सकता है। बाजी, हो सकता है कि ये अपार्टमेंट और मेरी जॉब ना रहे अब। तो तुमने फैसला कर लिया है? तुमने रेहान से झूठ बोला था ना कि तुमने मोइन की प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली है। मैं जानती थी, बहन हूं तुम्हारी, इसीलिए तो कहा था कि तुम्हारे दिल का हाल जानती हूं। और रेहान, रेहान को इसीलिए इनकार कर? मुझे रेहान के बारे में कोई बात नहीं करनी। जो दिल में आस लगाकर बैठे उससे नजरें क्यों चुरा रही हो? मेरे दिल में कोई भी नहीं है बाजी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, जो तुम्हारी मर्जी वो सोचो। एक बार नहीं, बार बार सोचो।
और जब किसी नतीजे पर पहुंच जाओ तो फैसला बता देना। और हाँ, जब कहोगी हम लाहौर जाने का इरादा कर लेंगे, जल्दबाजी में किया गया फैसला कभी अच्छा साबित नहीं होता। इस फाइल के अंदर सारी प्रॉपर्टी के कागजात हैं। बेहतर है कि तुम किसी वकील को दिखा दो या फिर किसी से मशवरा कर लो। मशवरा किस बात का? अरे यार, ये जमीन के मामलात ही कुछ ऐसे होते हैं, भाइयों के बीच में रंजिश पैदा कर देते हैं। कल को ये ना हो कि तुम ये बोलो कि भाई ने अपने हिस्से के लिए डंडी मार दी। कम ऑन भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? फिर भी एहतियातन चेक करवा लो भाई। एक बात कहूँ आपसे, आपको पता नहीं अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन बोलो भाई, आप उज्मा भाभी का हिस्सा उनके नाम अलग कर। तुम्हें फूफो बुला रही हैं। मुझे क्यों? आपने शायद मेरी बात सुन ली और यकीनन आपको अच्छी नहीं लगी होगी। देख रही तुम्हें इस घर वालों से ज्यादा उस उज्मा का ख्याल है। आप बिल्कुल ठीक सोच रही, ऐसे ही क्यों ना रखूं, भाभी है मेरी। भाभी तो मैं भी हूं, लेकिन वो कुछ खास है। दिल के करीब? सच कहा आपने, वो बहुत खास है, दिल के बहुत करीब। दिल नहीं लगता ना उसके बगैर, इसीलिए रोज रोज उसके घर चक्कर लगाते। क्या मतलब? और मैं रोज रोज नहीं जाता वहां। चलो हफ्ते में एक दो बार ही सही। तो ये के क्या? छोड़ो, जो बात कही बगैर समझाई जा सके उसे कहने का क्या फायदा। तुम यकीन करो कि मेरे बस में कुछ नहीं था और ना रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बरसों के ताल्लुक को एक नई आई हुई लड़की के पीछे कैसे खत्म कर सकते हो? कहा ना, ये सब हो गया खुद ब खुद। इंसान बड़ा बेबस है। तुम ऐसा नहीं कर सकते मानी, नहीं कर सकते। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हो। ऐसा ही है। कब, कैसे और क्यों? क्यों तुमने? उसे कोई सवाल मत करो तो अच्छा, क्योंकि तुम्हारे किसी भी सवाल का मेरे पर जवाब नहीं। मानी, क्या कमी है मुझ में?
क्या है उसमें जो मुझमें नहीं है? कैसे समझा सकता हूं मैं तुम्हें जो मैं खुद नहीं जानता, तो मैं कैसे समझाऊं? बड़े बेवफा शख्स, लेकिन तुम ये मानोगे नहीं। अगर तुम मुझे ऐसा समझती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा। तो आप अब क्या? अब मैं कहां जाऊं? सोच रहा हूं कि क्या सजा दूं खुद को, लेकिन तुम जो सजा दोगी कबूल होगी मुझे। सजा तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मुझे तुम पे रहम आ रहा है। तेरी यादों में खोया रहूं, सोचूं वो लम्हे प्यार के। प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है ना कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर लूं जो खुद मुख्तार हो, अपने फैसले खुद ले सकता हो। और क्या? और क्या? और वो किसी के अंडर ना आता। मोहब्बत वो सांप है बाजी जो दिल में कुंडली लगाए बैठा है, जरा से हिले नहीं कि टसने को तैयार रहता है। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर में दर्द है, थकन की वजह से। अभी सोऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ वो आपसे माफी मांगनी थी, कल रात कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की थी मैंने, माफ कर दो। अच्छा छोड़ो, रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ, अब उसका जिक्र मत करो। सच? क्या तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया? मैं पहले से ही जानती थी तुम्हारा दिल है ही इतना बड़ा। अब ये बात बार बार करके मुझे शर्मसार मत करो। मुझे तुमसे एक और भी बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। अरे कर लो जितनी बात करनी है, आज के दिन तुम्हें सब बातें माफ है। देख लो, ये ना हो कि फिर तुम्हें गुस्सा आ जाए। नहीं करो, बोलो। तुमने रेहान की बातें नोट की हैं? कैसी बातें? देखा नहीं कैसे बात बात में उज्मा का जिक्र ले आता है? देखा देखा तुम्हें गुस्सा आ रहा है।
गुस्सा नहीं आ रहा, तुम अपनी बात मुकम्मल करो। बात तो पूरी हो गई है, इससे ज्यादा और क्या कहूं? तुम खुद समझदार हो। देखो सारा, जब उज़्मा की शादी हुई थी तो रेहान और नौशीन बहुत छोटे थे। उज़्मा रेहान और नौशीन से बिल्कुल छोटे बहन भाइयों की तरह प्यार करती थी, इसलिए रेहान को उसके साथ अटैच होना अब एक फितरी अमल है। वैसे ये इतनी सादा बात तो नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? रहने दो, मर्द का मिजाज है वो अपने आप में ही मगन रहता है। उसे क्या पता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जी भाभी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ऑफिस के काम से निकला हुआ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो जाएगी तो मैं इंतजार कर लूंगी। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन आपकी बहन लड़ने के लिए तैयार खड़ी होगी, मुझे देखती ही कहेगी कि मैं क्यों आया हूँ। कुछ नहीं होता, कह दूंगी कि मैंने बुलाया तुम्हें। नहीं, मैं उससे कोई डरता वरता नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही बाय द चांस बात कर रहा था। सुनो। जी जी बोले भाभी, आप कुछ कह रही थी। कुछ नहीं, चलो तुम आ जाओ तो बात करते हैं, भूलना मत। हो ही नहीं सकता। खुदा हाफिज। कब तक यूं खुद को बंद किए रखोगी? ऑफिस नहीं जाना तो कहीं घूमने चली जाओ। कहाँ घूमने जाऊं मैं बाजी, रहस्य एक एक समंदर ही तो रह गया है। बाजार चली जाओ, शॉपिंग करने चली जाओ, दिल बहल जाएगा। भाजी, जैसे आप जानती नहीं कि मुझे शॉपिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, मैंने रेहान को बुलाया। क्यों? मेरी मर्जी, तुम्हें कोई एतराज है? आप मुझे क्यों बता रही हैं फिर? यूं ही कहीं उसके आने पर तुम लड़ाई शुरू ना कर दो। मैं क्यों लड़ूंगी उससे, मैं कौन सा मिलने वाली हूँ, ड्राइंग रूम में बैठेगा ना वो तो। मायरा, कब तक खुद से भागोगी? मत लड़ो, मत लड़ो अपने आप से। बाजी, आपकी ना मुझे सच में समझ नहीं आती। एक तरफ आप मुझे समझाती हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, अपना सही गलत समझती हो, अपने फैसले खुद लो, और दूसरी जगह ना आप मुझे डीट्रैक करती हैं। अरे, डीट्रैक कैसे कर रही हूँ मैं, जो तुम्हारे लिए अच्छा समझती हूँ ना करूँ? मैं जानती हूँ मेरा अच्छा बुरा क्या है, मुझे खुद सोचने दें। ठीक है, तुम खुद ही सोचो। बाजी, वो उसे कोई जरूरत नहीं है कुछ बताने की, बल्कि मेरा जिक्र ही मत कीजिएगा। कहाँ से आ रहा है मनुस? Thank you.
हेलो, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, ऑफिस नहीं आई आप? आप क्या चाहते हैं कि मैं ऑफिस आऊं ताकि वहां पे तमाशा खड़ा हो जाए? कैसे? क्योंकि कोई है जिसको आपकी बहुत फिक्र है, जो घर तक भी चले आई थी आपका आपका पूछने और मुझे समझाने। रिमशा अब नहीं आएगी, ना घर ना ऑफिस। किसी को उम्मीद दिला के इस तरह अकेले छोड़ देना अच्छी बात तो नहीं। उम्मीद? क्या सब बातें एक सांस में समझाई जा सकती हैं? कौन सी बात? बहुत सी बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूं लेकिन फोन पर समझा नहीं सकता। क्या यह मुमकिन है? इज इट पॉसिबल कि आज आप डिनर मेरे साथ करें? और अगर मैं कहूं कि मुझे आपकी कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं तो? किसी पर जोर तो नहीं चलता और किसी के दिल पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बाजी से पूछ के बताऊंगी। बाजी इजाजत दे देंगे आप? कभी ऐसा भी हुआ है कि आपका अंदाजा गलत हो गया? कई बार, लेकिन मैं अंदाजों के पुल नहीं बनाता और ना ही भरोसा करता हूं। बाकी बातें हम डिनर पर करेंगे। ओके। हालात जहां ले जाए उसके पीछे चलते जाए। वक्त ही मेरा मरहम है और वक्त ही मेरा इलाज। सब कुछ कब मिलता है और सब कुछ हासिल करके करना भी क्या? सारे दर्द ही दिल की वजह से, इस दिल की ऐसी की तैसी। रेहान क्यों खामखा अपने आप को ख्वार कर रहे? कहीं तुमने जिद तो नहीं बना ली कि मायरा को जीत कर ही रहना है? हार जीत का तो मुझे पता नहीं, मैं तो बस जहां मेरा दिल मुझे ले जा रहा है उसके पीछे चले जा रहा। सब दर्द इस दिल की ही वजह से है। हम कर भी क्या सकते हैं? अपने दिल से इनकार। आप कर सकती हैं। आप कर सकती हैं अपने दिल का इनकार भाभी? जरा सा दिल क्या रूठा, आप सबको छोड़कर यहां चले? तुम फिर अपने भाई की बात करोगे? अच्छा चलें भाभी, हम किसी की बात नहीं करते, सिर्फ अपनी बात करते। मेरे दिल की बात, आपके दिल की बात। यार भाभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने दिल को समझा सकें? ऐसा कब होता है रेहान? सही कह रही हैं आप, लेकिन फिर भी हम दूसरों को समझाते हैं, इसरार करते हैं कि वो अपने दिल को समझाए। ठीक कहती हैं आप, सारे झगड़े सारे दर्द दिल की वजह से। अब कौन समझाए इस दिल को? क्या हुआ? आप खोई खोई सी? नहीं तो
खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। आप सोच रही होंगी मैंने रिमशा को चीट क्यों किया? नहीं तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? रिमशा से मेरी मंगनी तब हुई जब। प्लीज, आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात में। अच्छा, बल्कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? क्या किसी को दिल से निकाला जा सकता है? क्या किसी को दिल से निकाल के दिल खाली नहीं हो जाता? ना सही, ना सही मायरा, ना सही। अगर दिल से निकाल दिया तो ये दिल खाली हो जाएगा और इस खाली जीवन का मैं क्या करूंगा? मेडिकल साइंस कहती है कि दिल के चार खाने होते हैं और मैं ये समझता था कि चारों खानों में बसता है, लेकिन जब मैं 17 साल का था मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया। यकायक सब दिल खाली हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि दिल में बसने वाले जब ना रहे तो जिंदगी में खालीपन कैसे आ जाता है। जहां तक आपका सवाल है तो मैं ये कहूंगा कि दिल में बसने वालों को दिल से निकाला कैसे जा सकता है। और आपके अप्पू? डैडी, डैडी कहता हूं मैं उन्हें। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं उनसे बहुत नाराज हूं। मेरी मम्मी की जगह कोई और ले उससे बर्दाश्त नहीं। आप भी बिल्कुल अपनी मंगेतर की तरह, रामशा की तरह। किसी और को किसी और की जगह नहीं देख सकते। या जहां देखना ना चाहते हैं। शायद ऐसे आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? इस तरह जान लिए इतना ही काफी है। मेरा ख्याल है कि किसी को जानने के लिए एक उम्र ना काफी है। अगर मैं कहूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं तो? किससे? किससे? कैसे कोई फर्क पड़ता है? मैं आपकी पसंद का एहतराम करूंगा। आपने मुझे इसलिए अपॉइंट किया था ना कि आप इतने। मुझे कभी शक कैसे नहीं हुआ कि आप क्या चाहते हैं? जिसे आप चाहती हैं क्या उसे खबर है? जी हाँ।
क्या आप अभी मुझसे शादी करना चाहते हैं? आप उसे पसंद करती थी या करती हैं? आप और सवाल ना करें, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। क्या ये सब जानने के बावजूद कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, आप फिर भी अपने प्रपोजल पे कायम हैं? क्या आप उसे पसंद करती थी या अभी भी करती हैं? एक ही बात। एक ही बात नहीं है, आप समझे कि करती थी। तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रपोजल अपनी जगह पे है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप अपने दिल से एक दफा ये पूछकर मुझे लाजमी बताएं कि आप उसे पसंद करती थी या अभी भी करती हैं। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। क्या हमारी बातें खत्म हो गई? बातें तो हैं मगर उधार है, कुछ सवाल है उनके जवाब चाहिए। जब मिल जाएंगे तो फिर मिल। तेरी यादों में खोया रहूं, सोचूं वो